तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और लैग्रांजियन सीरीज चल रही थी तो उसमें आगे का पार्ट देखते हैं अपन, किस तरीके से लैग्रांजियन को कंप्लीट करते हैं, फिर हैमिल्टोनियन और उसके बाद लेविस वीटा टेंसर, स्पेस ट्रेजेक्ट्री और सेंट्रल फोर्स मोशन, फिर उधर से न्यूटोनियन स्टार्ट। एक दो दिन में वीडियो आ जाएगा न्यूटोनियन का फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अपन उसी कड़ी में आगे चलते हैं। देखो अपन आज टॉपिक डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैग्रांजियन के लिए, क्योंकि ये सोल्व करने का जो मेथड है वो काफ़ी इजी हो जाता है इससे। देखो उसमें नॉर्मल मोड्स देखते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट अपन नॉर्मल मोड को देखते हैं। नॉर्मल मोड्स होते क्या, देखो नॉर्मल मोड वो होते हैं, देखो इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ये किसका, एक ऑसिलेशन का स्पेशल टाइप है। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, इन विच ऑल पार्टिकल ऑसिलेट विथ सेम फ्रिक्वेंसी। जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या ऑसिलेट करेंगे, सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, है ना। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ नॉर्मल मोड्स कैन बी ऑब्टेंड बाई सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल मोड की जो फ्रिक्वेंसी है उसको सोल्व करने का जो इक्वेशन है वो ये है। इसको बोलते हैं डिटरमिनेशन इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर टी कैप माइनस वी कैप इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ से आई इक्वेशन ऑफ मोशन से, वेन सब्सटीट्यूट क्यू आई इजल टू ए आई ए की पावर आयोटा ओमेगा टी। मतलब जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है लैग्रांजियन वाली, उसमें भी आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको यही मिलेगी। ये जो इक्वेशन आई है वो यहीं से आई है, ठीक है। हेयर टी द मैट्रिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी कैप मैट्रिक्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इनके बारे में आपको ध्यान से पता होना चाहिए। ये मैट्रिक्स किसकी है, काइनेटिक एनर्जी। ये मैट्रिक्स किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपने को डिफाइंड है, उनके लिए देखते हैं। नंबर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि नंबर ऑफ जितने भी जो फ्रीक्वेंसी जो आएंगी वो किसके इक्वल होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वल होंगी, ठीक है। देखो सम वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी जीरो, सम वैल्यू ऑफ ओमेगा मे बी जीरो, ठीक है। इसकी जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी आएंगी वो कुछ जो फ्रीक्वेंसी सम फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी। अब जीरो कब पॉसिबल है, जीरो वैल्यू ऑफ ओमेगा अकर्स व्हेन रोटेशन और ट्रांसलेशन ऑफ सिस्टम इज पॉसिबल। अपन देखेंगे आगे क्वेश्चन में, कहीं पे यदि ट्रांसलेशन और रोटेशन पॉसिबल है तो वहां पे यदि ऑप्शन गिवन है और किसी एक ऑप्शन में वैल्यू जीरो गिवन है तो वो 101% वही ऑप्शन होगा। अपन देखेंगे कि ऑप्शन को कैसे पिक कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग मेथड के लिए। तो कुछ ट्रिक्स हैं वो काम में आएंगी, जो कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं वो अपने काम में आएंगे। तो इस तरीके से आप नॉर्मल मोड जो थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन है इसको आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दो क्वेश्चंस करवाए थे, एक टीफर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चंस को यदि आप देखना चाहो तो वो काफी इजी हो जाते हैं वो क्वेश्चंस इस मेथड से। देखो मैंने वहां पे इसलिए करवाया था क्योंकि वो उसका एक स्पेशल कंडीशन चल रही थी, तो उसी बेस्ड पे मैंने उसको करवाया था। बट देखो इसको यदि आपको करवाना है इसको, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ ओनली फॉर, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपको एक क्वेश्चन था टीफर में, और टीफर में क्या क्वेश्चन था, स्प्रिंग इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट से एक मास जुड़ा हुआ था एक स्प्रिंग से, कितने, ये 3m मास जुड़ा हुआ था, और इससे जुड़ा हुआ था क्या, इससे कनेक्ट था 2m का मास, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछा गया था कि फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा पूछा गया था, और इसके अंदर जो मोशन थी वो सिर्फ ओनली क्या थी, वर्टिकल परमिटेड थी, हॉरिजॉन्टल नहीं थी, इसलिए आपको देखा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को इसी मेथड से देखते हैं अपन। ये तो आपको पता है कि इस टाइप के जो मोशंस हैं जो वर्टिकली, इसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट और जो इनिशियल एलोंगेशन है वो उसको अपन का इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जो लास्ट जो रिजल्ट्स है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इनिशियल एलोंगेशन और ग्रेविटेशनल का, तो इसलिए अपन इसको कंसीडर नहीं करके चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, मान लो कि एक्स वन डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, एक्स टू है, जैसे आपने कल किए थे सेम सिचुएशन, ठीक है। लेट एक्स वन एंड एक्स टू आर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन, कहाँ से, मेन पोजिशन से, यानी इक्विलिब्रियम पोजिशन से। उसके बाद आपको लैग्रांजियन लिखना है, और लैग्रांजियन लिखने के लिए देखो आपको क्या चाहिए,
लैग्रांज क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन है तो लैग्रांजियन के लिए आपको सबसे पहले ऑलवेज लैग्रांजियन राइट करना है, तो टी माइनस वी, यानी क्या चाहिए आपको, टी माइनस वी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिए आपको काइनेटिक एनर्जी की जो होगा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी देखो 1/2m, मास कितना है फर्स्ट के लिए 2m, और वेलोसिटी कितनी होगी x1 dot square, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिकल 1/2m जो ब्लॉक है 3m, तो मास है 3m और x2 dot square, ठीक है। इसी तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स लिखनी है, जो कि आप लिख चुके हो 1/2k। देखो पहले इसका लिखो, देखो ये सपोर्ट फिक्स्ड है, इसका मतलब यहां इलोंगेशन जीरो होगा, तो x2 इलोंगेशन माइनस जीरो, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ गया 1/2k x2 square प्लस 1/2k और x2 square, इसका इलोंगेशन कितना होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आने के बाद देखो मैट्रिक्स किस तरीके से आपको बनानी है, देखो मैं लिखता हूं, देखो यहां पे ध्यान रखना, वेयर आपको यदि काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बनानी है, यदि काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बनानी है तो देखो इस टाइप से, देखो किस तरीके से करोगे, डेल स्क्वायर टी कैप अपॉन डेल x1 dot square, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक बार x1 डॉट के रिस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर टी कैप अपॉन डेल्टा x1 dot डेल x2 dot, उसके बाद डेल स्क्वायर टी कैप और डेल्टा x2 dot square, डेल स्क्वायर टी कैप सॉरी डेल x2 dot और डेल x1 dot और डेल्टा टी स्क्वायर डेल x2 dot square, ये मैट्रिक्स बन गई है थ्री वेरिएबल की है, तो इसी तरीके से थ्री वेरिएबल की मैट्रिक्स कंसिस्ट करेंगे अपन। उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी की चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी की सेम यहाँ पे डॉट वेलोसिटी के टर्म में है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आएगा, तो डेल स्क्वायर वी कैप अपॉन डेल x1 square डेल स्क्वायर वी कैप अपॉन डेल x1 डेल x2 डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल x2 डेल x1, क्या करना है डेल x1 डेल x2 डेल x2 डेल x1 और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल x2 square, ये मैट्रिक्स आपकी परफॉर्म हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स बन चुकी है, इसी तरीके से आपको इक्वेशन सोल्व करनी है, तो अब इजी हो जाएगा, बार बार ये मैट्रिक्स बना के आपको दिखानी नहीं है, तुरंत कैलकुलेशन करनी है, आपको पता है दो वेरिएबल है तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। अपन चेक करते देखो, ठीक है इनको देखते रहना भाई ढंग से, देखो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए ओमेगा स्क्वायर, ये लो ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद मैट्रिक्स चाहिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स का मतलब है x1 डॉट के डबल डेरिवेटिव करना है, तो इस एक बार करोगे तो 2 से 2 कैंसिल x1 डॉट, और फिर वापस करोगे तो x1 का 1, यानी क्या आएगा 2m। उसके बाद आपको पहले x1 डॉट के रिस्पेक्ट में करनी है, ठीक है, x1 डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 और 2 से 2 कैंसिल x1 डॉट, ठीक है x2 डॉट 0, और x2 डॉट के रिस्पेक्ट में वापस करोगे तो वैल्यू वापस 0, सेम सिचुएशन इसी तरीके से करोगे। देखो पहले अपन x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अब वापस से इसी का क्या करना है x2 डॉट के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा 3m माइनस v, यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या सिचुएशन है, देखो सबसे पहले x1 के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये तो टर्म 0, इसका क्या होगा 2 से 2 कैंसिल x1 माइनस x2, ठीक है, क्या बचा देखो x1 माइनस k और x1 माइनस x2 बचेगा। अब इसका क्या करना है, वापस से क्या करना है x1 के रिस्पेक्ट में अवकलन करना, तो k x1 का 1 होगा, इसका 0, तो क्या वैल्यू आएगी सिर्फ k, क्या वैल्यू आएगी k वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले x1 के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा ये 0,
और इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, वही 2 से 2 कैंसिल, k x1 माइनस x2। अब x1 माइनस x2 आ गया है, तो अब वापस से क्या करना है, x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये टर्म 0 और इसका 1, तो माइनस का k। ठीक है भाई साहब, अब आ जाओ यहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपको x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x2 के डेरिवेटिव में। तो इसका क्या जाएगा, देखो यहां से 2kx2, तो क्या जाएगा kx2, और इधर से क्या आएगा, माइनस का k और x1 माइनस x2। क्यों हुआ माइनस, क्यों हुआ, देखो क्योंकि देखो x1 का 0 हो जाएगा, x2 का माइनस 1 होगा, तो यहां पे माइनस 1। अब x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इसका क्या करना है, x1 के, तो x2 0, ये टर्म 0 और ये माइनस k, तो माइनस का k। और अब क्या करना है, x2 के डेरिवेटिव करना है, तो वापस x2 के करोगे तो क्या आएगा, देखो अब इसका x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, तो क्या आया, k x2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 k x2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। अब एक x2 क्या आएगा, प्लस k x1 माइनस x2, बट x2 का माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, x2 के रिस्पेक्ट में ही वापस से डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा, ये k माइनस x1 0 माइनस माइनस प्लस और k, तो कितना जाएगा 2k, कितना जाएगा 2k, ये लो 2k। ठीक है, ये आपका आ चुका है क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स आ चुकी। अब इसको सोल्व करना है, किस तरीके से करोगे, देखो क्या लिख सकते हो इसको, 2m ओमेगा स्क्वायर और क्या होगा, माइनस k और 0 माइनस माइनस प्लस यानी k और 0 और माइनस प्लस यानी k और इसका क्या होगा, 3m ओमेगा स्क्वायर और क्योंकि देखो 3m ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2k, यह आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है। इसको सॉल्व करना आपको अब इजी मेथड से। ठीक है, यहां तक करने के बाद क्या हुआ था, देखो 3m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k और 2m ओमेगा स्क्वायर माइनस k इक्वल्स टू, अब क्या आएगा, माइनस, तो माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करते ही आपको क्या मिल जाएंगी, दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, जो कि किस तरीके से अभी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो क्या आएगा 6m, यहां के बाद अपनी इच्छा से कैलकुलेशन करो भाई, जैसे कैलकुलेशन आपके हो, 6m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ठीक है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया इससे, उसके बाद इसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2m ओमेगा स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2m ओमेगा स्क्वायर को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3m ओमेगा स्क्वायर और k माइनस का, ठीक है माइनस का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4k 4 हो गया k और m ओमेगा स्क्वायर, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 2k स्क्वायर, 2 देखो माइनस का 2 है और प्लस का माइनस का, तो प्लस का 2k स्क्वायर और माइनस का k स्क्वायर पहले से चल रहा है इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, 6m ओमेगा की पावर 4, ठीक है, और कोई भी ओमेगा, 3m के ओमेगा स्क्वायर 4km ओमेगा स्क्वायर यानी कितना हो गया, 7km ओमेगा स्क्वायर km ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये कितना बचा, प्लस का k स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो आप, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो बाई, आप किसी भी श्रीधराचार्य से भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो किस तरीके से सोल्व करोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का बी, माइनस का बी का मतलब क्या हुआ, ये रहा माइनस, तो ऑलरेडी माइनस है इसमें, तो प्लस सेवन के और साथ में क्या आएगा एम, और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, यानी 49 के स्क्वायर और एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4, ए का मतलब 6 और साथ में क्या है एम स्क्वायर, ए माइनस 4ac, सी का मतलब के स्क्वायर अपॉन 2a, ए का मतलब 6 एम स्क्वायर। ये लो यहां से ओमेगा की वैल्यू, तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं तो धीरे धीरे कैलकुलेशन इसको इजी फर्स्ट मेथड को इजी से कर रहा हूं भाई, आप कितना भी फास्ट कर सकते हो इस कैलकुलेशन को, क्यों ये कैलकुलेशन डिपेंडेंट है, आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो देखो कितना आया, 7k m प्लस माइनस, अब देखो कितना आया, एक काम करो KM दोनों कॉमन है तो क्या जाएगा, बाहर रूट से आएगा तो KM रूट क्या बचा 49 माइनस क्या आएगा 24, 6 4 जा 24 अपॉन क्या चल रहा है 12 और m स्क्वायर। तो देखो एक एम से एम कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7k प्लस माइनस k, और ये कितनी वैल्यू बचेगी भाई 6 और 16 और 16 और 9 25, 25 का रूट कितना आएगा 5, ठीक है अपॉन 12। तो अपन अपने को सबसे पहले ओमेगा प्लस निकाल लेते हैं स्क्वायर, तो क्या आएगा 7k और प्लस 5k अपॉन 12, इसका मतलब 7 और प्लस 5 कितने हो गए 12, तो 12k बाई m, ठीक है, और अपॉन 12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ गई रूट k बाई m, एक फ्रीक्वेंसी तो ये आ गया। उसके साथ दूसरी फ्रीक्वेंसी देखो, ओमेगा नेगेटिव कितना आएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7k और माइनस 5k अपॉन 12m, तो कितना आ जाएगा ओमेगा नेगेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू 2k बाई 12m कैंसिल, तो 1k बाई 6m, इस तरीके से ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ गई रूट के बाई 6m। तो आप क्या कर सकते हो, कल अपन ने देखा था कि इनकी वैल्यू क्या आई थी रूट के बाई एम और रूट के बाई 6m, तो इजीली आप क्या कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन, इतना करने की जरूरत नहीं थी इतनी लगाने की, फटाफट कैलकुलेशन हो सकती है इसकी। मैंने तो इसको टाइम लगा के इसलिए किया कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी देखेंगे उसमें टाइम नहीं लगेगा, और जो कोई भी लैग्रांजियन हो, कोई भी लैग्रांजियन हो, आपको लैग्रांजियन लिखने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आप मैट्रिक्स बना सकते हो, और मैट्रिक्स बना सकते हो तो आप इजीली उसको सोल्व भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो नॉर्मल मोड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने एक किया। अपन अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, और जिस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी उनको कंप्लीट रूप से आप सोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और बता दूं प्रॉब्लम, जिस तरीके से आपने अपन कैलकुलेशन करते हैं इसकी, इजी मेथड से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी काफी। देखो जैसे मैंने जो फर्स्ट वीडियो था इससे पहले वाला, उसमें एक क्वेश्चन करवाया था, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन था इसी तरीके से था, क्या यहां से वो रिजिड से अटैच्ड था और यहां से वो स्प्रिंग, यहां मास क्या था m1 था, ठीक है, और
यहां मास m2 था और यहां से वो रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ स्प्रिंग कांस्टेंट k था, यही तो था। तो मैंने जब आपको करवाया था तो वो उस मेथड से करवाया था जो कि आपको पहले बताया गया था। इस क्वेश्चन को उसी मेथड से भी कर सकते हैं अपन। किस तरीके से, मान लो कि ये x1 डिस्प्लेस हुआ है, ये x1 डिस्प्लेस हुआ है यहां से और यहां से x2 डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, मीन पोजीशन से। वेयर x1 x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसके बाद आपको सबसे पहले लैग्रांजियन लिखना था वहां पे। यहां पे भी आपको लैग्रांजियन के लिए आपको क्या चाहिए, टी कैप माइनस वी कैप चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो अब काइनेटिक एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो आपको मैंने बता चुका हूं कि देखो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन क्या होगी, 1 बाई 2 और एम वन और एक्स वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम टू एक्स टू डॉट स्क्वायर, क्योंकि जितने मासेज होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी होंगी, यानी टीक आ गया। उसके बाद आपको देखो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर चुके थे अपन। किस तरीके से होंगी, देखो ये रिजिड सपोर्ट है, यहां से कोई इलोंगेशन नहीं, ये यहां से इलोंगेशन हुआ है, तो देखो x1 माइनस जीरो तो क्या जाएगा, हाफ k x1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 k, यहां से कितना इलोंगेशन हुआ है x2, यहां से कितना इलोंगेशन हुआ x1, फाइनल पोजीशन क्या है x2, इनिशियल पोजीशन x1, तो x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, बढ़ देखो यहां से कोई इलोंगेशन नहीं हुआ, यानी जीरो माइनस x2, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ k x2 स्क्वायर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब आप क्या लिख सो, कितना करना आपको, ओमेगा स्क्वायर, दो ही वेरिएबल x1 x2, तो डेल स्क्वायर t कैप अपॉन डेल x1 डॉट स्क्वायर, डेल स्क्वायर t कैप अपॉन डेल x1 डॉट, डेल x2 डॉट, डेल स्क्वायर t कैप अपॉन डेल x2 डॉट, डेल x1 डॉट, डेल स्क्वायर t कैप अपॉन डेल x1, सॉरी x2 डॉट स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी की, माइनस पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल स्क्वायर v कैप अपॉन डेल x1 स्क्वायर, डेल स्क्वायर v कैप अपॉन डेल x1 x2, डेल स्क्वायर v, डेल x2, डेल x1 और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x2 और डेल स्क्वायर, ये आपका मेथड लो। अब ये कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हो, डेरिवेटिव ही तो करने हैं, फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो आप इजीली। चलो अपन करते हैं अब कैलकुलेशन इजी, इसकी किस तरीके से होगा मैं मिटा देता हूं, आपको बताने के लिए लिख दिया था मैंने जनरली, अभी इन्हीं की जगह मैं पुट कर रहा हूं। हाँ देखो बार बार अभी डेरिवेटिव करके चेक नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक्स वन डॉट के, किसके डेरिवेटिव करना है, एक्स वन डॉट के, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो भाई साहब ये तो सलट गया, कैंसिल, ये बचा कितना, बचा टू एम वन एक्स डॉट और एक्स वन डॉट के फिर से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, एक्स वन डॉट वी वन हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, ओनली एम वन, क्या बचेगा, ओनली एम वन। इसी के साथ साथ दूसरी कैलकुलेशन में देखो क्या आएगा, एक्स वन डॉट के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव करना है, तो ये एक्स वन डेरिवेटिव करोगे तो ये जीरो, और इसका वापस से एक्स टू करोगे ये जीरो, तो वापस से ये भी जीरो आएगा और यहाँ क्या आएगा, एम टू आएगा, डायरेक्टली पता चल रहा है, क्योंकि देखो एक्स टू ये तो जीरो, एम टू टू से टू कैंसिल, वापस करोगे तो वन। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, देखो किस तरीके से, पहले एक्स वन के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना है, तो एक्स वन के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो क्या आया, के एक्स बचेगा फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो, प्लस के और एक्स टू माइनस एक्स वन और माइनस बार ये जीरो। अब वापिस से एक्स वन के क्या करना है, रिस्पेक्ट में नहीं, हाँ एक्स वन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है वापिस से, तो एक्स वन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो वन के माइनस और इसका माइनस प्लस के, तो कितना जाएगा टू के, कितना आ गया टू के। अब देखो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है इसकी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का क्या करो, एक बार आप क्या करो, x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, किसके रिस्पेक्ट में करो, x1, पहले x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यही आएगा k x1 और माइनस k और x1 माइनस x2। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, x2 के, तो ये टर्म जीरो,
और एक्स टू का क्या आएगा, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसका माइनस करोगे तो वन, तो सिर्फ ओनली क्या बचेगा माइनस के, तो ये आ गया माइनस का के। अब आपको क्या करना है, वापिस से एक बार x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x2 के डेरिवेटिव करना है पहले, तो x2 के करोगे तो इस बार क्या आएगा, ये टर्म जीरो और ये क्या आ जाएगी k x1 x2 माइनस x1, ठीक है, और वहां से क्या आएगा k x2। अब x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो माइनस x1 के रिस्पेक्ट में करना है तो देखो माइनस का k और इसका जीरो, तो ये कितना जाएगा माइनस का के। अब देखो अब x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना वापस से, तो ये k और x2 माइनस x1 और प्लस k x2, x2 के रिस्पेक्ट में वापस डेरिवेटिव तो k और k 2k, ये लो भाई साहब, बहुत केयरफुली कैलकुलेशन नहीं है इतनी कि आप ध्यान लगा लगाई करो, इसका डेरिवेटिव करना था एक बार x1 के डबल डेरिवेटिव, x1 पहले x2 के फिर x2 पहले x1 बाद में और x2 के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या मैट्रिक्स बन गई क्या आपके सामने, इनकी जरूरत नहीं है किसी की भी, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो भाई, आप लैग्रांजियन में आप स्टार्ट कर सकते हो साथ साथ कैलकुलेशन करना। देखो m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, उसके बाद जीरो माइनस माइनस प्लस के, जीरो माइनस माइनस प्लस के और एम टू ओमेगा स्क्वायर और क्या आएगा माइनस टू के, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू जीरो। अब सोल्व कर सकते हो इसको किसी भी मेथड से, जो आपकी इच्छा हो उस मेथड से। देखो करते हैं अपन इसको, इसे m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, और साथ में क्या है m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, और माइनस का k स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आप सोल्व करोगे जिस भी मेथड से आपकी जो इच्छा हो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके करो, चाहे ए माइनस बी वाले मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, आप जिस भी मेथड से करोगे इसको आपको एक क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपनी स्मॉल ऑसिलेशन का जो पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको भी सॉल्व करूँ कोई ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि इससे आगे आप इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ओनली, ठीक है। इस तरीके से अपन स्मॉल ऑसिलेशन के जो कंसेप्ट है उसको सोल्व कर लो, लास्ट में वही आएगा, देखो इसमें आया हुआ था ना वही m1 m2 आए, उसको आपको रिड्यूस मास कंसेप्ट मानना है, ये रिड्यूस मास के लिए क्या होगा म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके की कैलकुलेशन रिड्यूस मास का कंसेप्ट। और रिड्यूस मास का कंसेप्ट कहां वैलिड है, जहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहा हो उस समय, ठीक है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी रूट ओमेगा स्क्वायर वो आएगी रूट के बाई म्यू, जो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है, ठीक है। अब अपन एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट का जो पार्ट है वो भी पढ़ेंगे, उसके साथ जो लैग्रांजियन दिया हुआ उससे जनरल जो क्वेश्चन है वो पूछे हों, जैसे शेप कैसी होगी पार्टिकल की, वो पाथ की इलिप्स होगा स्ट्रेट लाइन होगा, उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल ऑसिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, फिर काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स, फिर पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स, और आप क्या कर सकते हो इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। तो अपन देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो एक बार देखो कि मैंने एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा काम में आएगा, जैसे ये इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरीके से कोई भी स्प्रिंग और भी मासेज अटैच्ड हो सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन इसका पॉसिबल है, इस तरह की फिक्स नहीं है, तो इसके लिए ट्रांसलेशन पॉसिबल है, और यदि ट्रांसलेशन पॉसिबल है तो आपको एक चीज फिक्स्ड है कि ओमेगा एक जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो जीरो आएगी। तो ऑप्शन में यदि चार ऑप्शन गिवन है उनमें से किसी एक ऑप्शन में जीरो है तो आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो क्वेश्चन को कि उसकी एक की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो 101% वो ऑप्शन वही होगा, और अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी होगी यदि दो ऑप्शन में क्वेश्चन में ओमेगा जो जीरो दिया हुआ है। तो
तो ये इस तरीके, और यदि ये ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल तो इसके लिए ओमेगा जीरो नहीं आएगी इस तरीके, क्योंकि फिक्स्ड है ना दोनों तरीके से, तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता। अब अपन एक नए कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं एक्चुअली, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, इनका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है कहाँ पे? साइक्लिक कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस वहाँ है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस आर यूज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट, बिकॉज क्योंकि इससे क्या होगा कि जो जो भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा उसके कोरस्पोंडिंग जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इफ एल इज कंटेन ए वेलोसिटी, ठीक है, इन क्यू आई, क्यू आई वेलोसिटी टर्म ऑफ क्यू आई डॉट, बट कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट इज नॉट प्रेजेंट इन लैग्रांजियन, दैट कोऑर्डिनेट इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी आई कोरस्पोंडिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड इफ, देखो क्यू एस इज साइक्लिक देन पी एस इज कॉन्स्टेंट, इफ थीटा इज साइक्लिक देन पी थीटा इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी लैग्रांजियन को इससे जनरलाइज जो मोमेंटम इसको कांस्टेंट कंजर्वेशन का पता लगा सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर बात करते हैं क्वेश्चंस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल के लिए अपन निकालेंगे अभी है ना, नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, जैसे एक स्पीयर के लिए लैग्रांजियन निकालेंगे, पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है ऑन स्पीयर, और प्रोजेक्टाइल के लिए निकालेंगे, उसके बाद सिंपल पेंडुलम के लिए, डबल पेंडुलम के लिए का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है उनका। पर अभी साइक्लिक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो जनरली प्रोजेक्टाइल के लिए आपको लैग्रांजियन पता होना चाहिए, क्या होता है प्रोजेक्टाइल के लिए, हाफ एम और क्या होता है एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और माइनस एम जी वाई, यही होता है एम जी एच होता है, एच क्या होती है वहां पे हाइट, वाई होती है, क्योंकि इस तरीके से होता है ना वाई हाइट होती है, ठीक है, ये एक्स वाला होता है पोर्शन, अभी बात करेंगे आगे। देखो उसके बाद देखो यदि ये है तो देखो इसमें वेलोसिटी क्या कंटेन कर रहा है, एक्स कंटेन कर रहा है, पर एक्स यहाँ प्रेजेंट है क्या, एक्स प्रेजेंट नहीं है लैग्रांजियन में, एक्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब एक्स क्या हो गया साइक्लिक कोऑर्डिनेट, क्यों देखो एक्स डॉट प्रेजेंट इन एल बट एक्स नॉट प्रेजेंट इन L, सो X इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इस तरीके से चेक करना आपको। जैसे यहां Y डॉट है स्क्वायर है तो Y भी है, तो इस तरीके से साइक्लिक नहीं है, बट यहां पे मान लो Z होता और तो Z नहीं है यहां पे, तो Z क्या हो जाएगा साइक्लिक। तो यहां से क्या कर सकते हो आप कि X साइक्लिक है तो आप दो पी एक्स क्या होगा कांस्टेंट या कंजर्व, और पी एक्स कैसे निकालते हो जनरलाइज मोमेंटम, मैंने बताया हुआ है डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट, और ये क्या है जीरो के इक्विवेलेंट, यही तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो सॉरी पी एक्स डेल एल बाई डेल्टा एक्स डॉट, तो क्या करोगे इसका एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ये जीरो ये भी जीरो, क्या आएगा एम एक्स डॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब देखो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में एक्स डॉट क्या होता है द वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी कॉन्स्टेंट, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आपको मैंने दे दिया कि देखो 1/2 एम और क्या होगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है ये आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं मैं एम जी आर कॉस थीटा,
ये लिंगराजन दिया आपके पास। तो देखो आपके पास क्या है, थीटा है तो थीटा प्रेजेंट है, आर है तो आर 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 डॉट है तो सॉरी आर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है एम जी आर, ठीक है। तो इस तरीके से थीटा डॉट है तो थीटा प्रेजेंट है, पर देखो फाई है, फाई डॉट तो है बट फाई प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब फाई क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि पी फाई क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, क्या होगा कंजर्व्ड होगा। तो इस तरीके से अपने को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन अच्छे अच्छे कंसेप्ट होंगे 101% नेट के अंदर जो क्वेश्चन आए उन पर भी डिस्कस करेंगे, एक बार क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद कंप्लीट पैलेटिफर के सोल्व करेंगे, फिर जेस्ट के करेंगे, फिर जितने भी एग्जामिनेशन में आए हुए सारे क्वेश्चंस को एक बार सोल्व करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट भी सोल्व करेंगे। पहले धीरे धीरे पोर्शन चल रहा है अभी, तो इस तरीके से साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट था आज। अपन नेक्स्ट में अपन जैसे जैसे जाएंगे इस पे जो जनरल प्रॉब्लम बेस्ड है लैग्रांजियन पे उनको डिस्कस करेंगे, और सम लैग्रांजियन भी डिस्कस करेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम है, प्रोजेक्टाइल है, और एक पार्टिकल ऑन स्फीयर, इन प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो एक तो जरूरी है कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसका कारण एक ही है कि कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और एक चीज लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करो, जिस तरीके से भी हो 101% कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स करवाई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे 101%। और आपको पक्का जैसे कि एग्जामिनेशन होती है नेट टीफर जेस्ट इनमें जरूर हेल्प मिलेगी, तो एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे।